नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस। और सोशल साइंस में एक प्यारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, साख क्या है, साख से आप क्या समझते हैं। ठीक, यह क्वेश्चन को विभिन्न रूप से पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे पूछा दिया, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि साख क्या है या साख से आप क्या समझते हैं। साख से आप क्या समझते हैं, आप बोलो क्या समझते हैं। प्रश्न को जैसे मन वैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो साख से आप क्या समझते हैं या साख क्या है, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। दोस्तों देखिए, साख होता क्या, देखिए साख का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। साख अर्थ क्या होता है बताओ, भरोसा या विश्वास। ध्यान समझो बच्चा, इधर देखो। देखो मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को लिख देता हूँ, देखो समझो। साख, साख का मतलब क्या होता है बच्चा बताओ, भरोसा या विश्वास। साख का अर्थ भरोसा या विश्वास, भरोसा या विश्वास से होता है। लेकिन कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम होगा, ये भरोसा क्या है, ये विश्वास क्या है। देखो, भरोसा वो होती है जिस पर आप मतलब कोई चीज को मतलब क्या कहते हैं ना, ट्रस्ट करते हैं, जिस पर आपको आशा होती है यह मेरा कोई काम कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, साख। क्या कहते हैं, साख। देखो, साख बोलो, भरोसा बोलो, या क्या बोलोगे, विश्वास। सबका क्या अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो जिस व्यक्ति का साख अच्छा होता है उस व्यक्ति को मिलता है लोन। क्या मिलता है, लोन। समझे बात, साख का मतलब बताओ क्या होता है, भरोसा या विश्वास। अगर मान लो कि मेरा साख अच्छा होगा, मेरा साख अच्छा होगा तो लोग मुझे ज्यादा लोन देंगे, बोलेंगे ये आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, ये इसका ये जो पैसा लेता है वो लौटा देता है समय पर, टाइम पर, जितना रुपया लेता है उतना रुपया क्या करता है, वापस कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आदमी क्या है, साख क्या है, अच्छा। अगर कोई आदमी है जो मान लो एक साल के लोन लेता है, अब 10 साल बाद चुका था, क्या उसका साख अच्छा होगा, नहीं। उसका साख बहुत ही घटिया होगा। जो एक साल के लिए लोन लिया और 10 साल बाद भी पैसा नहीं दे रहा है, या उसमें भी बोल रहा है कि कल परसों दे देंगे, तो उसका साख क्या होता है, खराब। अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछे साख क्या है, लिखना दोस्तों की साख का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। भरोसा या जिस व्यक्ति का साख अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का साख अच्छा होता है, उस व्यक्ति को लोन या ऋण, लोन मतलब ऋण, ऋण मतलब कर्जा। यस, तो जैसे लोन बोलो, ऋण बोलो या कर्जा बोलो, सेम ही सब चीज है। ठीक है, उसको जल्दी मिल जाता है। कोई आदमी अगर बताओ, कोई साहूकार जानते हो, साहूकार नहीं जानते हो, साहूकार जो रुपया ब्याज पे लगाता है, तो ब्याज पर जो पैसा देने वाला होता है सेठ साहूकार, तो वो उसी व्यक्ति को ऋण देता है जो एक बार लोन ले लिया रहता है, पैसा ले लिया रहता है, फिर दोबारा टाइम पर दे दिया रहता है। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा ले ले, ना उसका ब्याज दे ना मूलधन दे, समझे, तो उसको लोन नहीं मिलता है। समझे बात। अगर ये पेपर में आया आपको साख क्या है, लिखना बच्चे, साख का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। जिस व्यक्ति का साख अच्छा होता है उस व्यक्ति को तुरंत ही बैंक या सेठ साहूकार या जो भी बैंक जो भी लोन देने वाला होता है वो सब जल्दी उसको लोन मिल जाता है। और जिस व्यक्ति का साख बुरा होता है, बोलो, साख बुरा होता है, उसका लोन नहीं मिलता है। समझ कितना बात। आगे, साख का अर्थ यह भी होता है कि ऋण लौटाने की क्षमता, ऋण लौटाने की क्षमता। साख का अर्थ क्या होता है बताओ, साख का अर्थ होता है ऋण लौटाने की क्षमता। अगर आप में साख अच्छा है तो आप ऋण जल्दी क्या करेंगे, लौटा देंगे। इसका मतलब आपका साख क्या है, अच्छा है। मान लो कि मैं किसी आदमी से 2 लाख रुपीस, ठीक है ना, लोन लिया। मैं बोला कि साहब मैं 2 लाख रुपया लोन ले रहा हूँ, 6 महीने के अंदर क्या करूंगा, चुका दूंगा। और मैंने 6 महीने के अंदर 5 महीने में ही चुका दिया, 5 महीने क्या किया, उसको दे दिया पैसा, तो मेरा साख क्या हो जाएगा, अच्छा। तो बोलेगा वाह आदमी ठीक है, आदमी जो बोला था 6 महीने में क्या कहते हैं पैसा चुका देगा, 5 महीने में चुका दिया, अच्छा आदमी है ये आदमी आएगा
इसका साख अच्छा है, ये आदमी दोबारा टाइम आएगा तो हम इसको फिर देंगे लोन। मान लो कि मेरी जगह कोई और होता, 6 महीना के लिए मांगा था 2 लाख रुपया और वो 6 साल बाद रिटर्न करे, 6 साल बाद, तो क्या उसका साख अच्छा होगा? होगा साख अच्छा? क्या उसको वो जो साहूकार है या सेठ है या जो लोन दिया था, ऋण दिया था, कर्जा दिया था, पैसा दिया था, क्या वो व्यक्ति दोबारा उसको लोन देगा? नहीं। देगा नहीं। इसका मतलब उसका साख क्या है? नहीं। खराब है। साख ने साख को देखो, साख को खराब बनाया जाता है, साख खराब हो जाता नहीं है, और साख को साख अच्छा किया जाता है। साख आप खुद खराब करते हैं या खुद ही क्या करते हैं? बनाते हैं। समझे बात? साख बनाना अपने हाथ में है और साख खराब करना भी अपने हाथ में। अगर आपका साख अच्छा है तो आप, इसका मतलब हुआ कि आपको हर व्यक्ति आपको लोन देने के लिए कर्जा तैयार रहेगा, देख लेगा कि व्यक्ति में दम है, ऋण लौटाने की इसमें क्षमता है, इस व्यक्ति को हम देंगे तो मेरा पैसा नहीं बुरेगा, मेरा पैसा नहीं खराब होगा, यह व्यक्ति ऐसा है इसको हम देंगे तो उस रुपया से हमको ब्याज भी मिल जाएगा और हमको उसका मूलधन भी मिल जाएगा। समझे? समझे साख का मतलब? समझे? क्लियर? पेपर में अगर लिखना ना बच्चे, साख ऐसे लिखना है इसका, साख का अर्थ भरोसा या विश्वास होता है। जिस व्यक्ति को, बोलो, जिस व्यक्ति का साख अच्छा होता है उसे बैंक, सेठ साहूकार, धन्ना सेठ जल्दी ही उसको क्या करते हैं, लोन या ऋण या कर्जा दे देते हैं। ठीक है? उसके लिए जिस व्यक्ति का साख खराब होता है उसको लोन लेने में दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, उसे तरह तरह का जमीन का कागज देना पड़ता है, सरकार जमीन कागज ले लीजिए तब हमको दे दीजिए, तो प्यागला आदमी बोलता है हाँ जमीन कागज दे दिया, अब तो मेरे कब्जा में आ गया ना, क्या गया? कब्जा में। बोला नहीं, बोलता है कि जमीन कागज दो उसके बाद देंगे लोन। इसका मतलब उसका साख अच्छा नहीं। अगर आप जा रहे हैं कहीं लोन लेने के लिए, कहीं भी जा रहे हो, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तुम्हें पैसे की काम पड़े, ठीक, अगर आपको पैसा की बहुत अत्यंत काम है और कोई आदमी बोले क्या हमें पूरा जमीन का कागज दे दो तब हम आपको देंगे क्या पैसा, समझ जाना कि वो आदमी आप पर क्या कर रहा है, भरोसा नहीं कर रहा है, आपका साख अच्छा नहीं है, उसको डर हो रहा है कि फलाना व्यक्ति जो कर्जा ले रहा है वो मेरा पैसा बर्बाद कर देगा, हो सकता है कि भाग जाए, हो सकता है कि फ्रॉड कर ले, हो सकता है कि 420 कर ले, पैसा बोले लिए ही नहीं है, सबूत दिखाओ, सबूत मांगना शुरू कर दे, तमाम तरह का समस्या उत्पन्न कर दे। समझ गए? तो साख का मतलब समझ गए क्या? ऋण लौटाने की क्षमता। साख का मतलब ऋण लौटाने की क्षमता से होता है। समझ गए? लिखिए इसको दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से अपने शब्दों में इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो इसको आपको मार्क फेचिंग होगा, मार्क तुरंत मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर? समझ गए भाई? क्लियर है यहां तक? पक्का? श्योर? तो बताओ साख क्या है, तुम बताओ। साख का अर्थ होता है भरोसा है विश्वास। अगर हम किसी से लोन ले, खड़े होके बताओ। हाँ, और लॉटरी बताइए जोर से। साख का अर्थ होता है भरोसा है विश्वास। अगर हम किसी से लोन लेते हैं और बोलते हैं 6 महीना में लौटा देंगे, अगर हम 5 ही महीना में लौटा देते हैं तो हमारा साख अच्छा है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बोले जो हम 1 साल में लौटा देंगे लोन, अगर वो 2 साल में लौटा है तो उसका साख अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गुड गुड, बैठ जाओ। सही बोला है गणपत, बताओ ये सही बोली है लक्ष्मी? चलो बिल्कुल सही बोली है। और ध्यान रखना, कोशिश करना कि आंसर देते समय अपने शब्दों में लिखिए, एक फिक्स आंसर किसी का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप साख समझ पाए होंगे कि साख व्हाट इज साख एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।